सब्सक्राइब करें गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are back in the new session of Master Current Affairs of 23rd February 2017 with me and GA Guru, जहां आज हम फिर डिस्कस करेंगे आपके साथ कुछ नई हेडलाइंस, कुछ उनपे बनने वाले क्वेश्चंस और कुछ उनकी डिटेलिंग्स और कैसे किस तरीके से आप SBI PO 2017 को टारगेट कर सकते हैं। तो होल सोल दिस सेशन इज सोली डेडिकेटेड टू SBI PO 2017। तो अगर हम बात करें तो जल्दी से तैयार हो जाइए अपने ब्रेकफास्ट टीज एंड कॉफीज के साथ, बिकॉज सुबह हो चुकी है, दिन की शुरुआत हो चुकी है महिंद्रा गुरु के साथ। बढ़ेंगे आगे सेशन की तरफ, लेकिन यस, उससे पहले जानेंगे जीए गुरु से कि व्हाई दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट एंड यस द मोटिवेशन मंत्रा आल्सो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेशन तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि डेली बेसिस पे आपको जो करंट अफेयर्स हैं उनसे हम अवेयर कराते हैं और साथ साथ उसके सारे एस्पेक्ट्स को भी क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर न्यूज आती है तो उस न्यूज से बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ सकते हैं आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो उस पर्टिकुलर न्यूज से जितने भी एस्पेक्ट्स हों वो सारे को आप नोट डाउन कर लीजिए, उनको क्या करिए प्रॉपर रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने आज पढ़ लिया, उसके बाद अगर आपने बाद में उसको रिवाइज नहीं किया तो वो सारा डेटा आपका क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा और वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा, ना ही आपका ये पर्टिकुलर शो देखना और ना ही वो आपका नोट डाउन करना। इसलिए ऐसे में क्या है, अगर आपको कुछ करना है तो उसको रिवीजन भी प्रॉपर करते रहिए। तो बिल्कुल मोटिवेशन की तरह स्टार्ट करेंगे तो मोटिवेशन मंत्र वही है, आई विल और आई कैन, मतलब आप में वो कर सकते हैं क्योंकि आप में वो करने की चाहत है। इसलिए कहा भी गया है, नेवर से आई विश, ऑलवेज से आई विल, बिकॉज योर विलिंगनेस विल लीड यू टू सक्सेस। तो बिल्कुल सही, उसी विलिंगनेस के संग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। बिल्कुल, तो सेशन की शुरुआत करते हैं, बट यस, डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर YouTube चैनल, बिकॉज इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, यू जस्ट हैव टू डू इज क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन नोटेशन एंड बिकम द सब्सक्राइब व्यूअर, सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी वीडियोस एक्सेस वेरी इजीली। एंड यस, द महिंद्राज ऐप इज ऑल्सो विद अस, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं एक फायदा मिलेगा, नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग, अपकमिंग वैकेंसीज की बात हो, चाहे वीडियो सीरीज की बात हो, तो डू गेट कनेक्टेड विद आवर महिंद्रा गुरु चैनल इसी तरीके से। और देखते हैं आज की पहली हेडलाइन जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और सारे कैंडिडेट्स को हम कहेंगे concentrate and focus because each and every headline, each and every word provided in this session is important. So let's proceed to the first headline. Indian Coast Guard commissioned Shaunak, the fourth ship in the series of six offshore patrol vessels OPV in South Goa's Vasco. भारतीय तटरक्षक ने शोनाक पोत का जलावतरण किया, दक्षिण गोवा के वास्को के छह तटीय गश्ती पोत की श्रृंखला में ये चौथा पोत है। तो डेफिनेटली इन द न्यूज इटसेल्फ इट इज सेइंग कि जो इनके सिक्स सीरीज आने वाली है उसमें ये फोर्थ नंबर का है, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट तो सबसे पहली बात है, अगर करंट बात करें तो करंट की बात देखेंगे तो रिसेंटली फोर्थ जो शिप है आपका ओपीवी का, ओपीवी स्टैंड फॉर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ऑफशोर, नाम ही बता रहा है कि तट से दूर, तो तट से दूर की बात हो रही है, इसका मतलब समुद्र किनारे से दूर क्या आता है आपका, आता है समुद्र, समुद्र के बीच में ऐसी वेसल्स जो कि गश्ती लगाती हूँ, तो गश्ती लगाने वाली इन्हीं वेसल्स को कहा जाता है ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। और इन्हीं वेसल्स की बात करेंगे तो ऐसी सिक्स वेसल्स को इंक्लूड करना था अपनी फ्लीट में, और उसमें आपकी फोर्थ जो शौनक है उसको इंक्लूड कर लिया गया है। और क्या डिटेल्स हो सकते हैं जरा जानेंगे अपने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वाले पॉइंट के थ्रू। तो देखिए पहली डिटेल क्या आ जाती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ICG ने इंक्लूड किया है, किसे किया है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को। तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में ये कौन सा नंबर था, फोर्थ नंबर था, और क्या जरा जानेंगे। तो सबसे पहली कौन सी थी, वो थी सम्राट, सबसे पहली ऑफशोर पेट्रोल वेसल की बात करेंगे दैट इज सम्राट, फिर आती है शूर, फिर आती है आपका सारथी, और फोर्थ नंबर जो इसको रिसेंटली इंक्लूड किया गया जिसका नाम है शौनक, और इसके बाद कौन सी बची है, शौर्य बची है, और फिर बता है सुजॉय। तो देखिए ये सिक्स वो है आपकी जिनको इंक्लूड किया जाना है, जिसमें से चार ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है या फिर कहें ऑलरेडी कमीशन्ड हो चुकी हैं। तो कौन सी कमीशन्ड हो चुकी है, सम्राट, शूर, सारथी और शौनक, बची कौन कौन सी है, शौर्य और सुजॉय बची हुई है। अब चूंकि इसको कमीशन किसने किया है, इसको कमीशन किया है सुरेश प्रभु, जी हाँ बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने इसको इंक्लूड या फिर कहें कमीशन किया है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई अगर ये नेवी से रिलेटेड बात है, इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड बात है, तो कहीं ना कहीं वो नेवी चीफ जो कि आप सामने देख पा रहे हैं सुनील लांबा, उनके द्वारा कमीशन किया गया होगा, लेकिन नहीं, यही कहीं ना कहीं एक टाई ब्रेकर क्वेश्चन बनकर एग्जामिनेशन में आपके सामने आ सकता है कि अगर पूछा जाए कि शौनक जो कि एक फोर्थ ओपीवी है उसको किसने कमीशन किया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सुरेश प्रभु। तो देखिए सारे एस्पेक्ट आपके सामने हैं, सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि कोई भी एस्पेक्ट आपका छूट ना जाए। बिल्कुल,
बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन बिकॉज दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट. यहाँ छह के छह नाम जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं बिकॉज दीज ऑल आर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स ओपीवी. तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन. भारत क्यू आर कोड द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटर ऑपरेबल पेमेंट एक्सेप्टेंस सोल्यूशन वॉज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू मूव टुवर्ड्स लेस कैश इकोनॉमी एट एन इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट. एक मामूली कीमत पर कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के प्रयासों के हिस्से के रूप में दुनिया का पहला अंतर प्रचलित भुगतान स्वीकृति समाधान भारत क्यू आर कोड लॉन्च किया गया. तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. अगर हम बात करें तो डिजिटलाइजेशन की तरफ ही एक स्टेप और निकल के आया है. और इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर मोटिव. और मोटिव क्या है सरकार का, जरा गौर से सुनिएगा. सबसे पहले बात आई पोर्टल्स की. हम लोग जो पहली चीज तो मोटिव यही है कि सारे ट्रांजेक्शन को डिजिटली अकर करना है. तो सारी ट्रांजेक्शन को अगर डिजिटली कैरीड आउट करना है तो उसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं वो क्यों ना अगर एक यूनिफाइड वे में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है. यूनिफाइड वे का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं वाया इंटरनेट तो आखिरी में जब आप पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट पोर्टल आता है जिसके थ्रू आप लॉग इन करके या जिसके थ्रू ही आप अपने ट्रांजेक्शन को कैरीड आउट कर पाते हैं. तो मल्टीपल आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनकी वजह से मल्टीपल आपके क्या होते थे, पेमेंट पोर्टल्स होते थे. तो उन्हीं मल्टीपल पोर्टल्स को अवॉइड करने के लिए सरकार ने रिसेंट कहेंगे तो काफी पहले भारत बिल पेमेंट सिस्टम बनाया था BBPS, जिसके थ्रू सारे जो पोर्टल्स थे वो एक कंबाइंड पोर्टल के रूप में आपके सामने आएंगे. वो एक यूनिफाइड पोर्टल होगा जिससे सारे आप ट्रांजेक्शन को कैरीड आउट कर सकते हैं. फिर उसके बाद उन्होंने जब एप्लीकेशन देखा डिजिटल ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करने के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन हो गई, तो उन एप्लीकेशन के लिए उन्होंने एक सिंगल शॉर्ट फॉर्म बनाया जिसका नाम था भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी. तो भीम ऐप आ गई. सिमिलरली अब बचा था क्यूआर कोड. तो क्यूआर कोड भी आपने देखा कि जनरली क्यूआर कोड को लोग स्कैन करके सारी डेटा को या फिर कहें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम डिजिटल ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं या फिर कैशलेस इकोनॉमी की ओर मूव कर रहे हैं. तो सरकार ने एक और इनिशिएटिव लिया है और भारत क्यूआर कोड लॉन्च कर दिया है. अब क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जरा जानेंगे इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वाले पॉइंट के थ्रू. तो देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में सबसे पहले आता है भारत क्यूआर कोड. तो भारत क्यूआर कोड को डेवलप किसने किया जरा देखेंगे. तो डेवलप किया गया है, देखिए फटाफट इसको, NPCI, बिल्कुल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू किया गया है. और देखिए क्या है, मास्टर कार्ड, मतलब NPCI के साथ मास्टर कार्ड है और कौन कौन साथ में, वीजा भी साथ में. तो तीन ये कंपनीज हैं जिन्होंने आपस में मिलके क्या किया है, भारत क्यूआर कोड को डेवलप किया है. अब क्योंकि तीन नाम आ गए हैं तो तीन नामों के डिटेल आपके सामने है. कि NPCI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरमैन है बालाचंद्रन M. इसके चेयरमैन है बालाचंद्रन M और इसके MD और CEO हैं आपके AP होता. तो जनरली स्टूडेंट्स, इसलिए आपको मैंने ये बात बताई क्योंकि जनरली क्या होता है स्टूडेंट, चेयरमैन जो इसका है वो AP होता से कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इसके चेयरमैन है बालाचंद्रन M और इसके MD और CEO है NPCI के AP होता. नाउ मास्टर कार्ड की बात करें तो उसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और इसके CEO कौन है, अजय पाल सिंह. वीजा की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसके CEO कौन है, Alfred F. Kelly जूनियर. तो देखिए तीन नाम आए थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था, तीनों के डिटेल्स आपके सामने है. भारत क्यूआर कोड क्या है वो भी आपका सबसे बड़ी चीज क्या है, फर्स्ट या फिर कहें वर्ल्ड फर्स्ट इंटर ऑपरेबल पेमेंट एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन है. तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के द्वारा जिसके थ्रू आपका एक यूनिफाइड वे में आपको एक सिंगल पोर्टल मिलेगा या फिर एक सिंगल मोड मिलेगा जिससे सारे आप डिजिटल ट्रांजेक्शन को क्या कर पाएंगे, कैरीड आउट कर पाएंगे. तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इसी के संग. बिल्कुल, तो ये तीनों की तीनों बातें जो यहाँ पे NPCI से हो, मास्टर कार्ड से हो या वीजा से हो, ईच एंड एवरी डिटेल इज प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ यू ऑल ऑन द स्क्रीन. सो डू जॉट डाउन, डू पेन डाउन एंड डू रिमेंबर सो दैट यू कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हेडलाइन. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन. Dish TV has tied up with a private lender ICICI Bank for digital payments. Dish TV ने डिजिटल भुगतान के लिए निजी क्षेत्र के ICICI Bank के साथ समझौता किया है. तो वन मोर कोलैबोरेशन, बहुत सारे कोलैबोरेशन हमको अभी रिसेंट दिनों में देखने को मिले हैं. आज हमारे पास है डिश टीवी और ICICI बैंक. बिल्कुल, यहाँ पे बात हो रही है, देखिए फील्ड क्या है, डिजिटल पेमेंट्स. तो डिजिटल पेमेंट्स को कैरीड आउट करने के लिए दोबारा से देखिए एक और कोलैबोरेशन हुआ है डिश टीवी और ICICI बैंक के थ्रू. तो डिश टीवी ने कहा है कि ICICI बैंक के थ्रू जो भी कस्टमर्स हैं वो इजी वे में उसके यूनिफाइड पेमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसका सारा ट्रांजेक्शन को कैरीड आउट कर सकते हैं. और क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जरा जानेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वाले पॉइंट के थ्रू. तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में सबसे पहला आता है कि रेडी फॉर, देखिए ये एक क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए कि रेडी फॉर यू और रेडी फॉर टुमारो, ये एक टैगलाइन आई है किसी बैंक की. तो मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर लें और जब मेरा क्वेश्चन आयर सेशन आएगा तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि रेडी फॉर यू और रेडी फॉर टुमारो किस बैंक की टैगलाइन है.
तो चलिए इसके बाद डिटेल जानते हैं अगर इस पर्टिकुलर न्यूज से, तो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड न्यूज है और इसमें क्या बताया गया जरा देखेंगे। तो डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग डिश टीवी और किसमें एग्रीमेंट हुआ है, बिल्कुल सही, डिश टीवी और आईसीआईसी बैंक में आपस में क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। अब चूंकि यहाँ पे दो नाम आ गए हैं डिश टीवी और आईसीआईसी बैंक का, तो डिश टीवी का हेडक्वार्टर है नोएडा में और इसका सीईओ है कौन, अरुण कपूर। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ है चंदा कोचर जी। तो बिल्कुल देखिए दो नाम आए, दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ, किस फील्ड से रिलेटेड हुआ, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड हुआ, तो वो आपके सामने है। दो नाम आए डिश टीवी और आईसीआईसी बैंक, उनका हेडक्वार्टर, उनके सीईओ, वो सारे आपके सामने है। तो जितने एस्पेक्ट होते थे सभी आपके सामने है और साथ ही इस बार एक क्या है, एक न्यू क्वेश्चन भी आपके सामने है कि रेडी फॉर यू रेडी फॉर टुमारो एक टैगलाइन उभर कर आपने आई है कल ही, तो आप मुझे बताइए ये किस बैंक की टैगलाइन है और इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा कब अपने क्वेश्चन आंसर सेशन। बिल्कुल, तो रेडी फॉर यू रेडी फॉर टुमारो सोचने लायक बात होगी कि पर्टिकुलर किस बैंक की टैगलाइन है, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट इससे रिलेट आउट कर सकते हैं। बट यस, अभी फिलहाल के लिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। तमिल हिंदी एंड संस्कृत स्कॉलर एंड ऑथर पी जयरमन विल बी अवार्डेड विद द साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड फॉर द ईयर 2016 अलॉन्ग विद 22 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तमिल हिंदी और संस्कृत के विद्वान और लेखक पी जयरमन सहित 22 भाषाओं के अनुवादकों को वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया जाएगा। तो बात करें यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार की अवार्ड्स की, तो हाउ इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। देखिए साहित्य अकादमी की अवार्ड की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लिटरेचर, मतलब इंडिया में लिटरेरी अवार्ड की बात करें तो ये काफी ऊंचे स्थान पर आता है। तो ऐसे में यहाँ पे ये जो कैटेगरी है ये है इस बार ट्रांसलेशन कैटेगरी। तो देखिए इसलिए नाम भी लिखा हुआ है कि साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड, और इस ट्रांसलेशन अवार्ड की बात करेंगे तो देखिए और क्या क्या डिटेल्स हो सकते हैं जरा जानेंगे अपने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वाले पॉइंट के थ्रू। तो इसे क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, देखिए कि साहित्य एकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2016 की बात करी जा रही है और इस बार किसे मिला है, पी जयरामन। तो देखिए पी जयरामन जी को मिला है इस बार किसके लिए, हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए। इनको अगर पर्टिकुलर मिला है हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए और क्या क्या जानेंगे, इसके साथ ही जो प्राइज मनी है वो है 50,000 रुपीज, मतलब 50,000 रुपए का इसमें कैश प्राइज भी दिया जाता है। और साथ साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि पी जयरमन जी जो है वो अकेले नहीं है जिनको ये अवार्ड मिला है, इसके साथ साथ 22 और ट्रांसलेटर्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। हालांकि पी जयरामन जी का नाम इसलिए सामने आया है क्योंकि ये हिंदी में अनुवादक थे या फिर क्या हिंदी ट्रांसलेटर थे, इस वजह से उनको नाम सामने आया है। तो कहीं ना कहीं पी जयरामन जी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले एग्जामिनेशन में, क्योंकि इनका नाम जुड़ गया है किससे, एक अवार्ड एंड ऑनर से जुड़ गया है, किसका, साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2016 से फॉर दी लैंग्वेज हिंदी। प्राइज मनी भी देख लिया आपने 50,000 रुपीज है, और साहित्य अकेडमी की बात करें तो उसके प्रेसिडेंट कौन है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो एकेडमी के बारे में बात हो गई, अवार्ड के बारे में बात हो गई, कितने ट्रांसलेटर्स को अवार्डेड किया गया है तो वो भी बात हो गई, तो सारे डिटेल्स आपके सामने हैं, जुड़ जाओ। बिल्कुल, तो ईच एंड एवरी पॉइंट प्रोस्पेक्ट वर्ड इज इम्पोर्टेंट। साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट का नाम हम एक बार कहेंगे, उसको दोबारा से याद कर ले बहुत अच्छे से, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एंड पी जयरमन हैज बीन अवार्डेड या विल बी अवार्डेड फॉर द ट्रांसलेशन इन लैंग्वेज हिंदी। प्राइज मनी है 50,000। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Noted economist and retired special chief secretary of the undivided state of Andhra Pradesh, V.K. Srinivasan passed away. He was 76. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और अविभाजित आंध्र प्रदेश के सेवानिवृत्त विशेष मुख्य सचिव V.K. श्रीनिवासन का निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। तो अनडिवाइडेड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सर, ओबिचरी का ये न्यूज सामने आया है और ये तब के इस पोस्ट होल्डर थे जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक हुआ करता था। एग्जैक्टली, बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बात है, ये न्यूज है ओबिचरी सेक्शन से और क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक नोटेड इकोनॉमिस्ट की बात हो रही है और साथ साथ ये क्या रह चुके हैं आपके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं तब के आंध्र प्रदेश के, और वो भी आंध्र प्रदेश तब जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ थे। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिटेल जरा जानेंगे इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वाले के थ्रू। तो पहला इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ पे वीके श्रीनिवासन जी का नाम। तो वीके श्रीनिवासन जी की बात करें तो उनकी हाल ही में निधन हो गया है। अब निधन हुआ है तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नोटेड इकोनॉमिस्ट है। नोटेड इकोनॉमिस्ट के साथ साथ स्पेशल चीफ सेक्रेटरी भी थे, किसके, आंध्र प्रदेश के, और कौन से आंध्र प्रदेश के, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, मतलब जो कि जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुआ था। अब आंध्र प्रदेश का नाम आ गया तो ऐसे में आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद या फिर अमरावती कहें आने वाले कुछ सालों में हो जाएगी। और क्या बचता है यहाँ पे, दो नाम और याद आते हैं, एक आता है चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर है एन चंद्रबाबू नायडू, और गवर्नर की बात करें दैट इज ESL नरसिम्हन। तो देखिए यहाँ पे सीएम का भी बात आ गई है, गवर्नमेंट की बात भी आ गई है, गवर्नर की बात भी आ गई सॉरी, और आपका कैपिटल की बात भी आ गई है। वी श्रीनिवासन जी क्या थे वो भी आपके सामने है, तो सारे डिटेल्स आपके सामने हैं, जितने एस्पेक्ट्स इस पर्टिकुलर ऑबिचरी सेक्शन से वो सभी आपके सामने हैं। तो इसलिए क्या करेंगे आप, फटाफट इसको एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल,
इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आंध्र प्रदेश के कैपिटल की बात करें तो यस रिसेंटली इट इज बीन टर्म्ड एज हैदराबाद, बट यस इन कमिंग ईयर्स दैट इज आफ्टर 8 to 9 years इट वुड बी कन्वर्टेड टू अमरावती. लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट हेडलाइन. स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड सेबेस्टियन हग एज इट्स काउंसिल जनरल इन बेंगलुरु. स्विट्जरलैंड सरकार ने सेबेस्टियन हग को बेंगलुरु में उसका महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है. तो अब अगेन अपॉइंटमेंट की बात यहाँ पे आ गई है, हमारी कंट्री में हो रहा है, डेफिनेटली बैंगलोर में, लेकिन यस अब स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल कॉल आया है, तो और क्या इसको इम्पोर्टेंट बनाता है? इम्पोर्टेंस की बात यही है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट शो कर रहा है, वो भी अपॉइंटमेंट इंटरनली नहीं है, ये आपका क्या है, ऑफशोर अपॉइंटमेंट है. तो बिल्कुल देखिए, स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, अपना अपॉइंट किया है एक क्या काउंसिल जनरल, कहाँ पे, बेंगलुरु में, जिनका नाम क्या है, सेबेस्टियन हग. और क्या डिटेल्स हो सकते हैं जरा जानेंगे कि इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि स्विट्जरलैंड के काउंसिल जनरल को क्या किया गया है, आपका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, जिसका नाम क्या है, सेबेस्टियन हग. और साथ साथ सेबेस्टियन हग की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे स्विस नेक्स इंडिया. अभी स्विस नेक्स इंडिया क्या है जरा देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू स्विट्जरलैंड और इंडिया में किस किस फील्ड में एक्सचेंज होना है, जरा गौर से सुनिएगा. साइंस, एजुकेशन, आर्ट और इनोवेशन, ये चार फील्ड हैं, जिन चारों फील्डों में स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में एक्सचेंज होना है. ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका नाम है स्विस नेक्स इंडिया, और इसी स्विस नेक्स इंडिया के हेड के रूप में कौन है, सेबेस्टियन हग. बिल्कुल सही आप देख पा रहे हैं कि स्विट्जरलैंड के काउंसिल जनरल तो बने ही हैं, और इसका अगर पदभार संभालने की बात करेंगे तो वो नवंबर 2017 से इसका पदभार संभालेंगे, किसका, स्विट्जरलैंड के काउंसिल जनरल का, जो कि कहां पे स्थापित होने वाले हैं, बेंगलुरु में स्थापित होने वाले. अब चूंकि नाम आ गया है स्विट्जरलैंड का, तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल आ जाती है, दैट इज बर्न, और करेंसी बात करेंगे दैट इज स्विस फ्रैंक. प्रेसिडेंट की बात करेंगे दैट इज जोहान स्नाइडर अम्मान. तो बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट का नाम भी आपके सामने है, कैपिटल और उसकी करेंसी भी सामने है, और क्या क्या ये पर्टिकुलर पोस्ट होल्ड करते हैं वो भी सारे डिटेल्स आपके सामने है, इसके प्रॉपरली इनको जॉट डाउन कर लीजिए. बिल्कुल, हर एक पॉइंट, हर एक प्रोस्पेक्ट, चाहे स्विट्जरलैंड से जुड़ा हुआ हो, हमारी कंट्री से जुड़ा हुआ, चाहे इस नाम से जुड़ा हो, एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अभी इनका नाम सामने आया है सेबेस्टियन हग का, बट ही विल टेक चार्ज फ्रॉम नवंबर 2017. बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन. The first heliport in India will be inaugurated by Civil Aviation Minister Ashok Gajpati Raju in North Delhi on February 28. नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू 28 फरवरी को उत्तरी दिल्ली में भारत के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. तो बिल्कुल 2017 का दूसरा महीना भी खत्म होने पे आया है, और आखिर दिन का ये इवेंट होगा, और किस तरीके से क्या क्या इनिशिएट किया जाएगा, बिल्कुल आप ही से जानेंगे. देखिए यहाँ पे बात हो रही है कोई चीज पहली बार इम्पोर्टेंट बन जाती है, पहली बार हेलीपोर्ट को एस्टेब्लिश करने की बात करी जा रही है. पहली बार जब हेलीपोर्ट बनना है तो कहाँ पे क्या बनना है, कैसे बनना है, तो आप न्यूज में देख पा रहे हैं कि नॉर्थ दिल्ली, अगर यहाँ पे बात करें नॉर्थ दिल्ली में बनाया जा रहा है, और साथ साथ इसको इनॉग्रेट कौन करेगा, सिविल एविएशन मिनिस्टर जो कि अशोक गजपति राजू हैं, वो करेंगे. कब करेंगे, फरवरी 28 में करेंगे. और क्या डिटेल्स हो सकते हैं जरा जानेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू. तो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में सबसे पहले आ जाता है कि फर्स्ट हेलीपोर्ट ऑफ इंडिया जो कि एस्टैब्लिश होने के बाद है, या फिर कहें इनॉग्रेट होने वाला है, कब इनॉग्रेट होगा जरा जानेंगे. हाँ, उससे पहले नाम आ जाता है कि नाम क्या है उसका, उसका नाम है रोहिणी हेलीपोर्ट. रोहिणी हेलीपोर्ट जो कि नॉर्थ दिल्ली में स्थित है, और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 150 पैसेंजर्स की इसकी कैपेसिटी होगी, इस पर्टिकुलर हेलीपोर्ट की 157 की कैपेसिटी होगी. और साथ साथ अगर पार्किंग कैपेसिटी की बात करें कि कितने हेलीकॉप्टर्स तो उसमें खड़े हो सकते हैं, तो उसका आंसर है 16. तो 16 हेलीकॉप्टर्स खड़े हो पाएंगे इसमें, और इसको बनाने में खर्च आया था 100 करोड़ रुपए का. तो 100 करोड़ रुपए में इसको, इस हेलीपोर्ट को बनाया गया है, जो कि इसका नाम है रोहिणी हेलीपोर्ट, जो कि नॉर्थ दिल्ली में स्थित है. और किसके द्वारा बनाया गया है, इसको बनाया गया है पवन हंस लिमिटेड के द्वारा, जिसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है आपका बीपी शर्मा. तो पवन हंस लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है आपका फर्स्ट हेलीपोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका नाम है रोहिणी हेलीपोर्ट, और इसका सीएमडी कौन है, बीपी शर्मा. अब इसको इनॉग्रेट कौन कर रहा है, अशोक गजपति राजू, जो कि क्या है, इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं. तो सारे डिटेल्स आपके सामने हैं, किसने बनाया, क्या कॉस्ट है, क्या कैपेसिटी है, क्या नाम है, और कौन इनॉग्रेट कर रहा है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं, प्रॉपर वे में है, इसलिए प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, किसी तरह की गलती की गुंजाइश ना हो. बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ जल्दी से टू द नेक्स्ट हेडलाइन, क्योंकि यहाँ सारी की सारी डिटेलिंग्स बहुत क्लियरली क्लैरिटी के साथ आपको प्रोवाइड हो रही है, तो दैट विल बिकम डेफिनेटली इजी फॉर यू ऑल टू रिमेंबर एंड रिकॉल द पॉइंट्स. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया विटनेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलियनेयर इनफ्लोज एट 11,000 इन 2016. न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया 2016 में 11,000 करोड़पतियों की संख्या के साथ शीर्ष पर रहा. तो ये किस तरीके से लिस्टिंग हुई थी? देखिए ये लिस्टिंग ये होती है कि अब ये क्या बताता है, जरा गौर से सुनिएगा, एक देश में कितने नंबर ऑफ मिलियनेयर्स रहते हैं,
उसके साथ साथ ये भी ये शो करता है, ये पर्टिकुलर अगर लिस्टिंग की बात करें, कि एक देश में कितने ज्यादा नंबर ऑफ जो मिलेनायर्स हैं वो अट्रैक्ट होकर भाग के जाते हैं, मतलब एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट या ऐसा देश जहां पे सबसे ज्यादा मिलेनायर्स अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पे पलायन या माइग्रेट करते हैं। तो उसी हिसाब की लिस्टिंग है, और उस लिस्टिंग के हिसाब से देखिए ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पोजीशन पर आ गया है। और ये लिस्टिंग किसने प्रोवाइड करी है, आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार की गई है। और क्या डिटेल्स हो सकते हैं जरा जानेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में सबसे पहला देखिए क्या आता है, लार्जेस्ट मिलेनायर्स की बात हो रही है, कि मतलब किस कंट्री में सबसे ज्यादा मिलेनायर्स हैं, या फिर किस कंट्री में सबसे ज्यादा मिलेनायर्स का इनटेक हुआ है या इनफ्लो हुआ है। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है, न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के द्वारा, मतलब एक न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट है जिसमें लार्जेस्ट मिलेनायर्स को कंसीडर किया गया है, और उसमें नंबर वन कंट्री कौन आ जाती है, आपका ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नंबर पे आ जाती है यूएसए, और थर्ड नंबर पे आ जाती है आपका यूके। तो टॉप थ्री कंट्रीज आपके सामने हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके, जिसमें आपका क्या है नंबर ऑफ लार्जेस्ट मिलेनायर्स रहते हैं। और अगर डिटेल जानेंगे यहाँ पे कि ये जो रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है या पब्लिश करता है, दैट इज न्यू वर्ल्ड वेल्थ, कौन सा सुनिएगा, न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, नाम बहुत इजी है, उसी का ही नाम है न्यू वर्ल्ड वेल्थ करता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। अब बात करेंगे यहाँ पे एक वर्ड आता है HNWI, HNWI स्टैंड फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का मतलब यही है कि जिनकी इनकम कहेंगे या फिर जिनकी जो संपत्ति है वो $1 million से ज्यादा की होती है, उनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहा जाता है। और इन्हीं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को कंसिडर किया जाता है इस पर्टिकुलर लिस्टिंग में, कि किस देश में सबसे ज्यादा है या किस देश में इसका सबसे ज्यादा इनफ्लो है, जिसके बिहार पे ये लिस्टिंग तैयार करी जाती है। और इसी लिस्टिंग में ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके 1, 2 और 3 पोजीशन पे आ जाते हैं। बिल्कुल, तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, हेडक्वार्टर कहाँ है ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यस समहाउ ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। मेहरीबान अलीयेव वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान, शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट। मेहरीबान अलीयेव को अजरबैजान का प्रथम उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया, वह पहली महिला उपराष्ट्रपति भी है। तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट, यस डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं ये जो नाम निकल के आ रहा है इम्पोर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है बिकॉज फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली, यहाँ पे दो चीजें हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहली देखिए, देख पहली चीज है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, या फिर कहें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वो भी विमेन। तो पहली बार वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बनी है जिसके लिए अपॉइंटमेंट हो गया है आपका, किसका, देख पा रहे हैं आपके मेहरीबान अलीयेव का। अब और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से थ्रू जरा जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में सबसे पहला आ जाता है क्या आपका, अजरबैजान, ये एक कंट्री है, और इस कंट्री में पहली बार वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बनी है, और वो किसको मिली है आपकी, मेहरीबान अलीयेव, ये क्या बन गई है आपकी पहली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान। और क्या जानेंगे जरा, अब इसके प्रेसिडेंट कौन है, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट है इल्हाम अलीयेव। हाँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इल्हाम अलीयेव और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो कि है मेहरीबान अलीयेव, बिल्कुल सही, इल्हाम अलीयेव के वाइफ है मेहरीबान अलीयेव, तो बिल्कुल सही, वाइस प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ इल्हाम मेहरीबान अलीयेव, किनकी वाइफ है आपका, इल्हाम अलीयेव, जो कि क्या है उनके प्रेसिडेंट है, कहाँ के प्रेसिडेंट है, अजरबैजान। अब चूंकि अजरबैजान की बात आ गई है तो उसके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का नाम हो गया, कैपिटल है बाकू और करेंसी है मनत। तो करेंसी भी आपको पता चल गई, कैपिटल भी पता चल गया, अब क्या बचता है, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है यही कि मेहरीबान अलीयेव की बात करें तो अगर क्वेश्चन आता है हु इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान, या फिर आता है हु इज द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान, योर आंसर इज मेहरीबान अलीयेव। और साथ में अब एक नाम बच जाता है जो कि है प्राइम मिनिस्टर का, तो प्राइम मिनिस्टर है उस समय आर्टर रशीजादे, तो ARTUR RASIZADE, तो आर्टर रशीजादे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अजरबैजान। जितने एस्पेक्ट्स होते थे इस पर्टिकुलर न्यूज से वो सारे आपके सामने हैं, कोई भी एस्पेक्ट लिखना छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है जो आप छोड़ दें वही एग्जामिनेशन में आ जाए। ये जनरली हो भी जाता है कि एग्जामिनेशन में जो चीज आप नहीं छोड़ देते हैं वही एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो सारे एस्पेक्ट्स को सही तरीके से लिख दीजिए। बिल्कुल, कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट है नेम, पर हम यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि दोनों के सरनेम तो सेम है बिकॉज हस्बैंड इज प्रेसिडेंट एंड वाइफ इज वाइस प्रेसिडेंट, तो थोड़ा सा याद रखने में इजी हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप इसको डेली बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, वीकली बेसिस पे एक बार रिवाइज करेंगे, तो आप जानते हैं आजकल एग्जामिनेशन में आपसे कोई नाम ऐसे नहीं पूछता, एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, और जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे आपको फटाफट क्लिक हो जाएगा, और वो क्लिक तभी होगा जब आपने उसको रिवाइज कर रखा होगा। तो काफी इजी हो गया है एमसीक्यूज के कारण, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शन आपके सामने हैं और फटाफट आप क्लिक कर लेंगे। अभी आपको अगर कोई पूछे कि कौन वाइस प्रेसिडेंट हुआ है तो एक हफ्ते बाद आप भूल सकते हैं नाम, लेकिन जैसे ही आप नाम देखेंगे ना आपको फटाफट रिकॉल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ उसका रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल,
बढ़ेंगे इसी के साथ आज की अगली हेडलाइन की तरफ। अकॉर्डिंग टू पीआर फर्म बर्सन मास्टेटिल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिकम द मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर ऑन फेसबुक विथ नियरली 40 मिलियन फॉलोअर्स। पीआर फर्म बर्सन मास्टेटिल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर सबसे ज्यादा फॉलो किए गए नेताओं में 4 करोड़ से अधिक फॉलोअर के साथ शीर्ष पर हैं। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, वी कैन टॉक अबाउट आवर पीएम मोदी डेफिनेटली। फेसबुक का भी नाम यहाँ पे आ जाता है, बट सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये निकल के आया है कि ही इज द मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर ऑन फेसबुक। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने वाली बात है, एक हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि अगर बात हो रही है फेमस लीडर्स की और उन लीडर्स को फॉलोअर्स की, तो कहीं ना कहीं किसका नाम आ गया है, इंडिया का नाम आ गया है। इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो अपने आप में बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को सुनकर भी, और न्यूज भी बहुत ही फैंटास्टिक है कि एक ऐसे लीडर है जिनको सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले फेसबुक पर है। तो बिल्कुल ये लेटेस्ट रैंकिंग आई है जो कि आपका पब्लिक रिलेशन फर्म जो है बर्सन मास्टेलर उसके द्वारा बनाई गई है, जिसमें ये शो हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है इंडिया के, वो क्या है नंबर ऑफ फॉलोअर्स, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फॉलोअर्स के संग फेसबुक पर सबसे आगे है। और क्या डिटेल्स हो सकता है जानेंगे, तो इंपॉर्टेंट फेसबुक में सबसे पहले आ जाता है। देखिए क्या आ जाता है, मैं चाहूंगा इसको इलैबोरेट करना। ये जो पर्टिकुलर है रिपोर्ट वो किसके द्वारा, मतलब ये सर्वे किया गया है, बर्सन मास्टेलर। तो बर्सन मास्टेलर की जो रिपोर्ट है क्या मोस्ट फॉलोड लीडर ऑन फेसबुक की बात हो रही है, तो कौन उभर कर सामने आया है, बिल्कुल देखेंगे। सबसे पहले नंबर वन पे आ गए हैं नरेंद्र मोदी, और जरा देखेंगे सेकंड नंबर पर कौन है, मतलब इनको किसने पीछे छोड़ दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप को पीछे। नरेंद्र मोदी नंबर वन पोजीशन पे आ गए, मतलब मोस्ट फॉलोअर्ड हो गए, और सेकंड मोस्ट फॉलोअर्ड बन गए हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप। और क्या इंपॉर्टेंट है, बर्सन मास्टेलर। तो बर्सन मास्टेलर जिसने ये सर्वे किया है उसका हेडक्वार्टर है यूएसए में, और इसका सीईओ है डोनाल्ड ए बायर। तो देखिए इसके हेडक्वार्टर की बात भी हो गई, और क्या है सारी चीजें हो गई। दूसरा नाम आ रहा है यहाँ पे फेसबुक का, तो फेसबुक की बात करें क्योंकि यहाँ पे जो फॉलोइंग हो रही है वो फेसबुक पर हो रही है, तो फेसबुक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। तो सारे डिटेल्स आपके सामने हैं, चाहे वो फेसबुक के हो या फिर बर्सन मास्टेलर के हो या फिर कहें मोस्ट फॉलोड लीडर की बात करी जाए, तो वो भी सारे आपके सामने हैं, डू जॉट डाउन। बिल्कुल, और यही कहीं ना कहीं हमको ये भी समझ में आता है और बात निकल के आती है कि पीएम मोदी की बात करें या प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, तो यस मोस्ट फॉलोड लीडर होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव्स इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं, चाहे वो डिजिटलाइजेशन की तरफ हो, चाहे हमारे सिक्योरिटी मेजर्स की तरफ हो, हर तरफ में वी आर लीडिंग एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। बढ़ेंगे इसी के साथ क्वेश्चनेयर सेशन की तरफ और देखेंगे इन्हीं पर्टिकुलर हेडलाइन से क्या क्वेश्चंस फ्रेम आउट हो सकते हैं, किन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बाउंसर्स आपके बन सकते हैं और कैसे आप सारे के सारे आंसर आउट कर सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चनेयर सेशन एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ ऑफशोर पेट्रोल वेसल दैट इज ओपीवी व्हिच वाज रिसेंटली कमीशन्ड इन गोवा। चौथी तटीय गश्ती पोत ओपीवी जिसका हाल ही में गोवा में जलावतरण किया गया का नाम क्या है। बिल्कुल, ऑप्शंस आपके सामने हैं शोनाक, सम्राट, शूर, सारथी या शौर्य। तो लेट्स सी आंसर्स फ्रॉम योर साइड कैंडिडेट्स, आपके तरफ से आंसर्स क्या निकल के आते हैं। ऑल द फाइव नेम्स यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू ऑल दैट इज शोनाक, सम्राट, शूर, सारथी एंड शौर्य। वी वांट टू नेम द फोर्थ कमीशनड पर्टिकुलर, जो अगर हम ओपीवी की बात करें यहाँ पे, तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो आपका भी कमीशन हुआ है, तो जल्दी से देखेंगे। एंड यस वी आर गेटिंग आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर वन, शोनाक। एग्जैक्टली, शोनाक इज द राइट आंसर गाइस। नाउ माय बाउंसर क्वेश्चन इज, इस पर्टिकुलर जो ओपीवी है इसको कमीशन किसने किया है, हु कमीशन दिस पर्टिकुलर ओपीवी दैट इज शोनाक। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू आंसर कि यहाँ पे किसने कमीशन किया है। द नेम वी वांट इन द कमेंट बॉक्स फ्रॉम योर साइड्स। एंड यस यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करें, सो वी आर गेटिंग नेम मिस्टर सुरेश प्रभु। एग्जैक्टली, सुरेश प्रभु इज द राइट आंसर, जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर चीज को कमीशन किया है। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटर ऑपरेबल पेमेंट एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन व्हिच वाज लॉन्च्ड अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू मूव टुवर्ड्स लेस कैश इकोनॉमी एट एन इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट। एक मामूली कीमत पर कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के प्रयासों के हिस्से के रूप में दुनिया के पहले अंतर प्रचलित भुगतान स्वीकृति समाधान का क्या नाम है। इंडिया ओ, इंडिया क्यूआर, भारत क्यूआर, मित्रा क्यूआर, भीम क्यूआर या मेरा क्यूआर। तो लेट्स सी आंसर्स फ्रॉम योर साइड इन द कमेंट बॉक्स कि आपकी तरफ से आंसर क्या निकल के आता है। इंडिया क्यूआर, भारत क्यूआर, मित्रा क्यूआर, भीम क्यूआर या तो फिर मेरा क्यूआर। एंड यस कैंडिडेट्स आर टाइपिंग ऑप्शन नंबर टू दैट इज भारत क्यूआर। एग्जैक्टली, भारत क्यूआर इज द राइट आंसर। माय बाउंसर क्वेश्चन इज, दिस पर्टिकुलर भारत क्यूआर इज डेवलप्ड बाय होम।
दिस पर्टिकुलर भारत क्यू आर इज डेवलप्ड बाई होम? फटाफट आंसर लिख दीजिए अलॉन्ग विद हैशटैग MCA. बिल्कुल, तो किसने डेवलप किया है, यहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलर कैंडिडेट्स क्या टाइप आउट करते हैं इन द कमेंट बॉक्स. हु हैज डेवलप्ड दिस भारत क्यू आर? तो लेट्स सी इन द कमेंट बॉक्स हु हैज डेवलप्ड दिस भारत क्यू आर पर्टिकुलरली. तो यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास आंसर आ चुका है, NPCI, मास्टर कार्ड एंड वीजा. एग्जैक्टली, वेरी नाइस स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है NPCI, मास्टर कार्ड और वीजा. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद होम डिश टीवी हैज टाइड अप फॉर डिजिटल पेमेंट्स? डिश टीवी ने डिजिटल भुगतान के लिए किसके संग समझौता किया है, जरा जानेंगे. एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या तो फिर यस बैंक. तो विद विच बैंक कहना सही होगा, डिश टीवी ने टाई अप किया है फॉर द डिजिटल पेमेंट्स. तो लेट्स सी आंसर्स फ्रॉम योर साइड एंड यस undoubtedly candidates are typing answer, that is option number 3, ICICI bank. बिल्कुल सही, ICICI bank is the right answer. तो bouncer question मैं पूछ लेता हूँ कि ICICI bank के CEO कौन है? Who is the CEO of ICICI bank? Who is the CEO of ICICI bank? Now the question have came from the CEO part, कि ICICI bank के CEO कौन है? तो जल्दी से देखेंगे उनका नाम यहाँ पे. तो बिल्कुल leading lady, we can say yes, the name is here, Chanda Kochar. Exactly, Chanda Kochar is the right answer. Let's move to the next question. Next question पे बढ़ेंगे, लेकिन सर एक यहाँ पे आपने doubted world condition वहाँ जो छोड़ी हुई थी detailing के part में, तो हम चाहेंगे एक बार उसको भी candidates के साथ discuss कर ले. Ready for you, ready for tomorrow. Exactly, मैं चाहता था कि इस particular session के बाद मैं discuss करूँ जब सारे मेरे bouncers हो जाएं. चलिए, लेकिन आपने पूछ लिया है तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या स्टूडेंट्स आपको पता चला कि रेडी फॉर यू या रेडी फॉर टुमारो किसकी टैगलाइन उभर कर सामने आई है? तो रेडी फॉर यू रेडी फॉर टुमारो की अगर हम बात करें, सो रेडी फॉर यू रेडी फॉर टुमारो जो टैगलाइन हमने इस न्यूज हेडलाइन की डिटेलिंग में देखी थी, तो यस कैंडिडेट्स आर नोइंग एंड दैट इज बेसिकली ऑफ ICICI बैंक इटसेल्फ. देखिए बिल्कुल सही बात है. अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी आता है स्टूडेंट. देखिए कुछ चीजों में कंफ्यूजन जानना भी जरूरी है कि तभी आप कंफ्यूजन दूर होगा. जनरली ICICI बैंक का क्या है टैगलाइन? ख्याल आपका. बिल्कुल सही बात है, ख्याल आपका ही है. लेकिन साथ साथ अगर उसकी मोबाइल एप्लीकेशन को जब आप रन करेंगे और जैसे ही उसका फ्रंट पेज आता है तो उसमें एक नई टैगलाइन उभर कर आ रही है और जो कि क्या है आपका, रेडी फॉर यू रेडी फॉर टुमारो. तो मैं चाहूंगा एक बार आप लोग इस चीज को कंफर्म करें और इस चीज का डिस्कशन हम अपने कल सेशन में जरूर करेंगे. मैं चाहूंगा कि कुछ R&D तो आपकी भी बनती है, इतनी डिटेलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कुछ तो कुछ टास्क आपका भी होमवर्क होना चाहिए. तो आज सभी आप लोग का होमवर्क यही है कि आपको देखना है कि रेडी फॉर यू रेडी फॉर टुमारो ICICI की बैंक टैगलाइन जरूर है. हालांकि उसकी साइट पर अभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप उसकी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो सबसे पहले जब ICICI बैंक लिख के आता है तो उसके साथ साथ एक नया टैगलाइन मिल रही है, वो क्या है, रेडी फॉर यू रेडी फॉर टुमारो. तो कल आपका टास्क यही है कि आप ये कंफर्म करके आए कि ICICI बैंक की फाइनली हेडलाइन सॉरी टैगलाइन है क्या. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following will be awarded with the साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड फॉर द ईयर 2016 अलोंग विद 22 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स? निम्न में से किसको 22 भाषाओं के अनुवादकों के संग वर्ष 2016 का साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, वी रामकृष्णन, अल्तमास कबीर, राज चिंगप्पा, पी जयरमन या सुरेंद्र वर्मा. तो लेट्स सी व्हाट आंसर्स यू टाइप इन योर इन द कमेंट बॉक्स फ्रॉम योर साइड. वी रामकृष्णन, अल्तमास कबीर, राज चिंगप्पा, पी जयरमन या सुरेंद्र वर्मा. तो यस वी हैव द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स आर टाइपिंग पी जयरमन. एग्जैक्टली, पी जयरमन इज द राइट आंसर. अब मेरा आंसर क्वेश्चन आ जाता है कि कितना कैश प्राइज है इस पर्टिकुलर अवार्ड का. और साथ साथ मैं ये पूछना चाहूंगा कि पी जयरमन जी को जो अवार्ड मिला है वो किस चीज के ट्रांसलेशन, मतलब किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए मिला है. बिल्कुल, तो पी जयरमन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ट्रांसलेशन लैंग्वेज सर ने पूछा है कि पी जयरमन किस लैंग्वेज से जुड़े हैं एंड यस द प्राइज मनी आल्सो. तो बिल्कुल, वी हैव हिंदी ट्रांसलेशन अवार्ड फॉर हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी लिटरेचर की बात यहाँ आई एंड अवार्ड मनी यस 50,000. 50,000 इज द राइट आंसर. चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. VK श्रीनिवासन who died recently was a famous. VK श्रीनिवासन जिनका हाल ही में निधन हुआ एक प्रसिद्ध थे, अब वो क्या थे जरा जानेंगे. सिंगर, जर्नलिस्ट, ऑथर, सितारिस्ट या पॉलिटिशियन. तो VK श्रीनिवासन जिनका हाल ही में निधन हुआ, देहांत हुआ, वे क्या थे?
जानना इंटरेस्टिंग होगा, सिंगर, जर्नलिस्ट, ऑथर, सितारिस्ट या पॉलिटिशियन। तो यस, कैंडिडेट्स आर टाइपिंग आंसर, और अगर हम देखें यहाँ पे तो कैंडिडेट्स के आंसर जो निकल के आ रहे हैं दे आर समथिंग रिलेटेड टू पर्टिकुलर, यानी पांच ऑप्शंस में से एक है। कैंडिडेट्स आर टाइपिंग अभी कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर से भी वो जुड़े हुए हैं, बट यस लेट्स सी पर्टिकुलर कैंडिडेट्स क्या टाइप करते हैं। यहाँ पे देखना बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा, सिंगर, जर्नलिस्ट, ऑथर, सितारिस्ट या पॉलिटिशियन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि जनरली हमने अगर हेडलाइंस की बात करें तो वहाँ पे इकोनॉमिस्ट बताया था, नोटेड इकोनॉमिस्ट, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं इकोनॉमिस्ट दिख ही नहीं रहा है। यस, कैंडिडेट्स हैव क्लिक दैट कंफ्यूजन और उनने आंसर टाइप किया है पॉलिटिशियन। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि वो साथ में चीफ भी तो थे, तो बिल्कुल सही आंसर एकदम सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 5 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और देखते हैं बाउंसर क्या पूछते हैं आप यहाँ पे। बिल्कुल बाउंसर आ जाता है मेरा इसी के संग, देखिएगा कि अगर इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें वीके श्रीनिवासन जी की, तो क्या किस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है या किस पर्टिकुलर स्टेट की ये चीफ ऑफिसर रह चुके हैं, फटाफट लिख दीजिए, और उस स्टेट के सीएम का नाम भी आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे स्टेट की बात करें, चीफ मिनिस्टर ऑल्सो यू कैन टाइप, दैट इज द एडिशनल बाउंसर, बट यस यहाँ हम जानना चाहेंगे कि किस स्टेट के ये नोटेड इकोनॉमिस्ट थे। तो आंसर्स की अगर हम बात करें तो यस स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। एग्जैक्टली, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। उसका सीएम की बात करेंगे तो कौन है, यहाँ पे नाम आ रहा है बिल्कुल, देखिए कैंडिडेट्स का चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें यहाँ तो कैंडिडेट्स आर टाइपिंग बिल्कुल एन चंद्रबाबू नायडू। एग्जैक्टली, एन चंद्रबाबू नायडू इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज अपॉइंटेड सेबेस्टियन हग एज इट्स काउंसिल जनरल इन बेंगलुरु, किस देश ने सेबेस्टियन हग को बेंगलुरु में उसका महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है। ऑप्शन जरा जानेंगे, स्विट्जरलैंड, यूएसए, रशिया, यूएई या पोर्टुगल। तो अगर पांचों ऑप्शंस देखें हम यहाँ पे तो यस कैंडिडेट्स आर टाइपिंग आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स की पर्टिकुलर किस कंट्री ने सेबेस्टियन हग को एज इट्स काउंसिल जनरल इन बेंगलुरु अपॉइंट किया है। तो लेट्स सी आंसर्स फ्रॉम योर साइड कैंडिडेट्स, एंड यस कैंडिडेट्स हैव टाइप्ड स्विट्जरलैंड। एग्जैक्टली, स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। माय बाउंसर क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड अलोंग विद इट्स करेंसी। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बता दीजिए और फटाफट उसकी करेंसी भी बता दीजिए। बिल्कुल, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल के साथ साथ स्विट्जरलैंड की करेंसी भी जानेंगे हम यहाँ पे इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी पर्टिकुलर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड कैंडिडेट्स, एंड यस वी आर गेटिंग समथिंग आंसर वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट बॉक्स में हमको देखने को मिल भी रहे हैं यहाँ पे। कैपिटल इज बर्न एंड करेंसी इज स्विस फ्रैंक। एग्जैक्टली, कैपिटल इज बर्न एंड करेंसी इज स्विस फ्रैंक। चलिए इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, द फर्स्ट हेलीपोर्ट इन इंडिया विल बी इनॉग्रेटेड बाय सिविल एविएशन मिनिस्टर डैश इन नॉर्थ दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री डैश उत्तरी दिल्ली में भारत के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। तो कौन है हमारे देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर, जरा जानेंगे। अनंत गीते, अशोक गजपति राजू, बंदारू दत्तात्रेय, जुआल ओरम या मुख्तार अब्बास नकवी। तो लेट्स सी पर्टिकुलर आंसर्स क्या आते हैं आपकी तरफ से। तो देखते हैं पर्टिकुलर क्या है आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, एंड यस वी आर गेटिंग आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 2, अशोक गजपति राजू। एग्जैक्टली, अशोक गजपति राजू इज द राइट आंसर। माय बाउंसर क्वेश्चन इज ऑन व्हिच डेट इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड, किस दिन इसका इनॉग्रेशन होना तय हुआ है, फटाफट वो डेट भी मेंशन कर दीजिए। बिल्कुल, तो फर्स्ट हेलीपोर्ट कब इनॉग्रेट होगा, बहुत देर से सर हमने हिंट नहीं दिया, कैंडिडेट्स को हमें हिंट देने का मन भी कर रहा है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम कैंडिडेट्स को हिंट दे दें। चलिए दे दीजिए, नहीं तो बहुत इजी है क्वेश्चन। हाँ, इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है, और यहाँ हम चाहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमको मन कर रहा है हिंट देने का, तो कैंडिडेट्स को बता दें कि बिल्कुल यस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस डेट को इसका इनॉग्रेशन होगा। तो यू कैन रिलेट विद दैट कि 2017 इस महीने का आखिरी दिन वो हो सकता है। अब ये देखना होगा कैंडिडेट्स इसको लीप ईयर मानते हैं या नॉर्मल ईयर मानते हैं। तो लेट्स सी, आंसर ही दे दिया पूरा। बिल्कुल, तो आंसर हमारे पास है यहाँ पे 28 फरवरी। चलिए आपने इतना सिंपल कर दिया तो एक बाउंसर मेरा और बन जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हेलीपोर्ट, इस हेलीपोर्ट का नाम भी क्या है, जरा फटाफट लिख दीजिए स्टूडेंट्स अलोंग विद हैशटैग MCA। बिल्कुल, तो इस हेलीपोर्ट का नाम, अब इसमें कोई हिंट नहीं मिलेगा कैंडिडेट्स, नाउ दिस यू हैव टू आंसर वेरी डायरेक्टली क्लियरली कि इस पर्टिकुलर हेलीपोर्ट का नाम क्या है। तो यस कैंडिडेट्स आर स्मार्ट इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, दे आर आंसरिंग रोहिणी। एग्जैक्टली, रोहिणी हेलीपोर्ट नॉर्थ दिल्ली में जो स्थित है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट
which country has witnessed the largest number of millionaires inflows in at 11,000 in 2016? New World Wealth Report की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2016 में 11,000 करोड़पतियों की संख्या के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? न्यूजीलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर। नाउ कैंडिडेट्स, यू हैव टू फोकस यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलियनेयर की लिस्ट में जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहा है उसका नाम हमें यहाँ जानना है कि शीर्ष पर कौन रहा है। तो जल्दी से देखते हैं आंसर्स फ्रॉम योर साइड इन द कमेंट बॉक्स। तो इज द आंसर पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली, ऑस्ट्रेलिया नंबर वन, यूएसए नंबर टू और यूके नंबर थ्री पोजीशन पर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अनुसार। चलिए, मेरा बाउंसर नंबर थ्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल, अब बाउंसर पूछ लूं अगर तो यहाँ पे जो न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट की बात हो रही है या फिर कहें न्यू वर्ल्ड वेल्थ की बात हो रही है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू वर्ल्ड वेल्थ? बिल्कुल, तो न्यू वर्ल्ड वेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ है अगर हम बात करें तो यस, कैंडिडेट्स हैव टाइप्ड समहाउ जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। एग्जैक्टली, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट टाइम हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान? पहली बार किसे अजरबैजान के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? इलाम इलियेव, हैदर इलियेव, अयाज मुतालिबोव, मेहरीबान अलियेव, कामरान बागिरो। So you have five names in front of you all. जल्दी से टाइप करके हमें बता दीजिए कि for the first time who has been appointed as the vice president of Azerbaijan? और yes, we have the answer. Option number four, Mehriban Aliyev. बिल्कुल सही, Mehriban Aliyev is the right answer. My bouncer question is quite simple. Who is the president of this particular country that is Azerbaijan? Azerbaijan के president कौन है वर्तमान में, ये भी फटाफट लिख दीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ हमें वाइस प्रेसिडेंट का नाम तो पता चल गया, मेहरीबान एलियेव। तो लेट्स सी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान। एंड बिल्कुल कैंडिडेट्स आर बिल्कुल इंटेलिजेंट इनफ, स्मार्ट इनफ एंड एक्साइटेड इनफ टू आंसर इलाम एलियेव। एग्जैक्टली, इलाम एलियेव इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पीआर फर्म बर्सन मास्टेलर, हु हैज बिकम द मोस्ट फॉलोअर्ड वर्ल्ड लीडर ऑन फेसबुक विद नियरली 40 मिलियन फॉलोअर्स? पीआर फर्म बर्सन मास्टेलर के अनुसार कौन सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर सबसे ज्यादा फॉलो किए गए नेताओं में 4 करोड़ से अधिक फॉलोअर के साथ शीर्ष स्थान पर है? लेट्स सी, डोनाल्ड ट्रंप, एंजेला मार्केल, बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी। द मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर एंड यस, नो हिंट्स, नो डाउट, क्लियर आंसर, मिस्टर नरेंद्र मोदी, दैट इज ऑप्शन नंबर 5, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर, जिन्होंने पीछे छोड़ दिया है आपका डोनाल्ड ट्रंप को। मेरा बाउंसर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे बात हो रही है फेसबुक की, तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेसबुक सिचुएटेड अलोंग विद इट्स सीईओ नेम? तो फेसबुक का हेडक्वार्टर भी बता दीजिए और फटाफट उसके सीईओ का नाम भी बता दीजिए। चलिए जानते हैं यहाँ पे कि फेसबुक के सीईओ कौन है और इसके अलावा फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है। यस, वी हैव द आंसर, समहाउ कैंडिडेट्स नो वेरी वेल, बार बार, कई बार हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, कैलिफोर्निया द हेडक्वार्टर एंड मार्क जुकरबर्ग। एग्जैक्टली, मार्क जुकरबर्ग इज द सीईओ ऑफ फेसबुक। चलिए, तो कहीं ना कहीं आज के सेशन की अगर हम बात करें तो यस, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द हेडलाइंस ओवर हियर। हर एक पॉइंट को हमने, हर एक प्रोस्पेक्ट को, हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया आपके साथ। जस्ट यू हैव टू डू इज डू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स एंड यस, यू कैन रिवाइज ऑल द सेशंस बाय वॉचिंग इट वंस अगेन व्हेन इट गेट्स रीलोडेड, अपलोडेड आफ्टर इट्स स्ट्रीमिंग। तो आज का सेशन अगर आपको पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एज वेल, क्योंकि यस, एमसीए का साथ आप तक बना रहेगा। SBI PO 2017 को टारगेट करने के लिए फोकस करके जो ये आपके लिए प्लान आउट किया जा रहा है, तो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा एंड यस, इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, हमें बताते रहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स, डिमांड क्या है, सो दैट वी कैन वर्क अपॉन एंड महिंद्रा गुरु इज ब्रिंगिंग मच मोर, मेनी मोर वीडियो सीरीज फॉर यू ऑल जस्ट टू टारगेट द SBI PO 2017 एंड नॉट ओनली SBI PO 2017, वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द IBPS examinations also, तो बने रहना है आपको इसी तरीके से हमारे साथ, देखते रहना है, पढ़ते रहना है, ख्याल रखना है, खुश रखना है। और बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो सर 9:00 विल बी समथिंग अ सेशन जो कि आपका बिल्कुल एडिटोरियल से जुड़ा हुआ होगा, हिंदू एडिटोरियल शो शुरू होने वाला है जस्ट इसके बाद, तो कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून हो जाइए हमारे इस पर्टिकुलर चैनल पे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं एडिटोरियल को काफी सिंपल शब्दों में समझना और उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को क्लियर करना, तो बस जुड़ना बाकी। बिल्कुल, तो जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, क्योंकि एडिटोरियल में ये दोनों चीजें जब आती हैं मिलके, तो उसी के साथ 9:00 फिर मुलाकात होगी आपसे। डू नॉट गो एनीवेयर, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और फिर से जुड़ जाइएगा 9:00 हमारे साथ एडिटोरियल सेशन में। तब तक के लिए याद भी रखिएगा, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।